If you are getting confused between MT-15 and Duke 200, here is the video to clarify that. कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ड्यूक 200 या MT-15? 2023 मॉडल है, प्राइस भी सेम है, पावर में थोड़ा सा फ़र्क है, रॉ पावर है ड्यूक में। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, दिन भर परेशान रह रहे हो, तो यहाँ पर एक वीडियो है जो फुल कंपैरिजन देगा आपको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक सिंगल चीज़ के बारे में। लेट्स डिस्कस इट। तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर चूज़ कर पाओगे कि कौन सी बाइक लेनी है, आपका टेंशन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है कि कौन सी लेनी है। बैक टू द चैनल। या आज होने वाला है MT-15 2023 मॉडल BS6 फेस 2 बाय इथेनॉल 20 के साथ, OBD2 सेंसर के साथ आ चुकी है। ऑन रोड प्राइस क्या है, ब्रेकिंग क्या है, सब कुछ आज डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर है ड्यूक 200 BS6 और ये 2023 मॉडल है। दोनों का ही कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन ज़्यादा अच्छी स्ट्रीट नेकेड बाइक है। पहले आप इसको थोड़ा देर निहार लो, देख लो कि कैसी लग रही है। थोड़ा आज लोकेशन नहीं मिल पाया, आज रोड पे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है जो दोनों बाइक को लेके जा सके। मैं अजय देवगन तो हूँ नहीं भाई कि दोनों बाइक पे पैर रख के चला सकता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि MT-15 के चाहने वाले भी मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा हैं और ड्यूक 200 तो लेजेंडरी बाइक है ही भाई। दोनों में मैं सिर्फ कंपैरिजन बताऊंगा आपको, किसका क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या प्राइस है, क्या माइलेज वगैरह, जो भी है, ब्रेकिंग, सबका कंपैरिजन करने वाला हूँ, लेकिन बुराई नहीं करूंगा। एमटी चाहने वाले एमटी लिखेंगे कमेंट में और ड्यूक को चाहने वाले ड्यूक 200 लिखेंगे कमेंट में और देखते हैं कि किसका काउंट मुझे सबसे ज्यादा दिखता है। तो लेकिन स्टार्ट करते हैं रिव्यू। फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट होनी चाहिए। सबसे पहले ड्यूक की बात करूंगा। यहाँ पे दिए गए LED टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ भी दिए गए LED टर्न इंडिकेटर्स। हाउएवर जो इसकी जो क्वालिटी लगी ना मुझे ज्यादा अच्छी है। देखो आप बारीकियत देखोगे तो तीन अलग अलग LED है, इसमें मुझे लगता है एक ही LED लगाया गया है, तो वो है। दूसरा, इसके DRLs बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, बहुत शानदार लगते हैं। डिजाइनिंग थोड़ा सा दिक्कत लगती है मुझे। ये देखो आप ऐसे है ना, थोड़ा सा ये फ्लैट रहता तो ज़्यादा प्यारा लगता, लेकिन यहाँ पे हैलोजन दिया गया। यहाँ पे बात करो तो दो DRLs आइस की तरह है जो बहुत प्यारी लुक देती है इसको। यहाँ पर प्रोजेक्टर दे दिया गया, देखो ये है प्रोजेक्टर के साथ, ये है हैलोजन के साथ। देखो, देख रहे हो आप, दोनों ऑन है। बात करते हैं थोड़ा नीचे आ जाते हैं, सस्पेंशन WP का सस्पेंशन है, 41mm का अपसाइड डाउन फॉर्क है जो कि हाथ में झटका तो दूर की बात, बड़े बड़े गड्ढों को भी पार कर जाता बिना झटका दिए। यहाँ अगर बात करूँ तो ये भी अपसाइड डाउन फॉर्क है भाई, USD है। यहाँ पे लेकिन दिया गया 37mm का फ्रंट में सस्पेंशन जो कि इसके वेट के हिसाब से सही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हाथ में झटके बिल्कुल नहीं लगते क्योंकि मेरी पर्सनल बाइक है, तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। जो मडगार्ड है ना, मडगार्ड बहुत ही सॉलिड है, मतलब इसका ना क्वालिटी भी अलग है और डिज़ाइन भी शानदार लगती है। इसमें देखो, इसमें ना कि दो भाग में, स्प्लिट भाग में, इसमें सिंगल मडगार्ड है और इसकी भी डिज़ाइनिंग अच्छी है। थोड़ी सी इससे कम क्वालिटी है इसकी, मतलब ये थोड़ा कम क्वालिटी का लग रहा, बाकी ये जो फर्म है और डिज़ाइन भी शानदार लग रही है। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग का भाई, तो ब्रेकिंग भाई इस साइड अपोजिट साइड में लगा है यहाँ पर, जो कि 300mm का प्लेट है, 300mm का डिस्क प्लेट है भाई। फ्रंट ABS है जो शानदार काम करता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सिंगल चैनल ABS है फ्रंट में, जो कि 282mm का प्लेट लगा है, जो कि काफ़ी सफिशियंट है वेट के हिसाब से। अगर मैं टायर के साइज़ की बात करूँ तो भाई ये टायर जो आता है 110/70 का आता है, जो कि 17 इंच के अलॉय पे है। टायर की चौड़ाई काफ़ी इनफ है, मतलब इस पावर को हैंडल करने के लिए ये काफ़ी अच्छा टायर दिया है। इन्होंने जो टायर दिया वो 100/80 का है, जो कि सेम आपको FZ का पड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके टायर थोड़े पतले हैं लेकिन वेट के हिसाब से सही है। एलॉय का डिज़ाइन, एलॉय के कलर की बात कर लेते हैं। एलॉय का डिज़ाइन थोड़ा अलग है, मतलब इसको बाहर की तरफ निकाला गया है। ये क्या है, ये चक्रा कैसे चलता है, वैसा ही चल रहा है जैसे कि हम गोल 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 इस टाइप का घूम रहा है। तो यहाँ पर बात हो गई फ्रंट प्रोफाइल की खत्म। रिफ्लेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर कहीं पे भी रिफ्लेक्टर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा इस बाइक में। यहाँ पर दो जगह पर रिफ्लेक्टर है, कि यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर की कमी दिख रही है। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये पड़ता है एक शोरूम 1,72,000 झारखंड में और ये पड़ता है 1,90,000 झारखंड में। ऑन रोड की बात करूं तो ये पड़ेगा आपको 2,07,000 रुपये का, ये पड़ेगा 2,27,000 रुपये का ऑन रोड। लेफ्ट साइड आते हैं और इसके बात करते हैं टैंक की, तो टैंक काफ़ी कॉम्पैक्ट है और जो टैंक है वो फाइबर का है चारों तरफ से ही। यहाँ पर टैंक के साइज़ की बात करूँ तो 10 लीटर आप इसमें तेल डाल सकते हो। यहाँ अगर ड्यूक की बात करें तो ड्यूक 200 में जो वो 13.5 लीटर का डालोगे, जो कि मैटलिक है, टैंक बहुत शानदार क्वालिटी का है। साथ में यहाँ पर जो आपको टैंक पैनल दिया गया ना, वो भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है, जो कि इसको एक दमदार लुक देता है। बात करते हैं स्विचेस की। देखो, स्विचेस में मुझे हमेशा से MT में कोई दिक्कत नहीं आई है, बट एक चीज़ इलॉजिकल लगा, वो है भाई हॉर्न ऊपर दे देना और इंडिकेटर शिफ्टर है वो नीचे दे देना। ये इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया। आप लोग में से किसी को अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ
ये है भाई पासिंग लाइट, यहीं पे दे दिया गया है और यहाँ पर ही अपर डिपर दे दिया गया, मतलब दोनों फंक्शन इसी स्विच में दे दिया गया है। यहाँ पे हॉर्न है, हॉर्न की आवाज़ सुन सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर है जो कि एलईडी में, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर है इंजन किल स्विच और यहाँ पर स्टार्ट, तो आवाज़ सुन लेते हैं इसकी फटाफट। तो ये थोड़ा वाइब्रेट भी कर रहा है, आवाज़ तो सही है। अब यहाँ पर ड्यूक की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया पासिंग लाइट जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, यहाँ पर दिया गया है अपर डिपर। ये है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की बात करो तो ये भी एलईडी और काफ़ी ज़्यादा विजिबल और अच्छी क्वालिटी का है। या हॉर्न की बात करें, हॉर्न बेसी है। ये दिया गया इंजन किल स्विच और यहाँ पर दिया गया है सेल्फ स्टार्ट। आवाज़ सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट सुन लेते हैं भाई, स्पोर्टी है थोड़ा, आपको ना अपील करता है कि भाई अब मुझे चलाओ बढ़िया से। कंसोल मीटर की बात करते हैं, कंसोल मीटर भाई इसका काफ़ी इन्फॉर्मेटिक है। यहाँ पे न्यूट्रल का साइन दिया गया, यहाँ पे TCS है ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर आपको इंजन चेकअप बोल सकते हैं आप इसको, यहाँ पर इंडिकेटर है और यहाँ पर हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर है, यानी पासिंग लाइट भी आप इसी से देख सकते हो। यहाँ पे ABS है, यहाँ पे गियर शिफ्टिंग है, यहाँ पर RPM बताया जाएगा, यहाँ पर फ्यूल गेज है, यहाँ पर ओडोमीटर है, साथ में आपको यहाँ पर अगर आप टॉगल करोगे तो आपको दिखेगा TCS का साइन दिया गया, ऑन ऑफ कर सकते हो TCS से आप। यहाँ पे एवरेज दिया गया कि कितने हर किलोमीटर पे आपका ऑन होता है रेडिएटर, यहाँ पर दिया गया एवरेज फ्यूल इफिशियंसी, यहाँ पर दिया गया है करंट फ्यूल इफिशियंसी, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बड़ा भी है। यहाँ अगर देखेंगे तो यही पुरानी जो पुराना चला आ रहा है बरसों से RPM शिफ्ट RPM, मतलब RPM इंडिकेटर के, अगर आप RPM ज़्यादा कर देते हो। यहाँ पर न्यूट्रल का साइन, यहाँ पर आपको पासिंग का साइन, ABS दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो आपको यहीं पर दे दिया गया साइड स्टैंड डाउन, यहाँ पे आपको बताएगा कि साइड स्टैंड आपका नीचे की तरफ है। यहाँ पे मोड है, यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे फ्यूल गेज बताया जा रहा है, यहाँ पर हीटिंग बताया जा रही है कि कितना हीटिंग है, यहाँ पे ऑडोमीटर है, यहाँ पर गियर शिफ्टिंग है। इन्फॉर्मेटिक है बट क्लासिक है थोड़ा सा, मतलब इसको इन्हेंस कर सकते थे मुझे ऐसा लगता है। हैंडल्स की बात करूँ तो भाई ये हैंडल सीधा है और इसका भी हैंडल काफ़ी हद तक सीधा है, लेकिन ये ज़्यादा सीधा है जिसमें आपको राइड कम्फर्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में अगर मैं चूज़ करूँ तो मुझे ये ज़्यादा फर्म और अच्छे क्वालिटी का लग रहा है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल को मैं आप अच्छे से देख लो आगे। पहले यहाँ पे ग्राफिक्स दिया गया है और MT लिखा गया है, यहाँ यामाहा का लोगो दिया गया है, यहाँ पर भी MT दिया गया है। और इस साइड पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो देख रहे हो ये सब मुझे पसंद नहीं है, जो बाहर से मतलब बिल्ड किया है ना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, गैपिंग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी यामाहा लिखा गया है और साइड के पैनल में मतलब ये है तो मतलब फाइबर का, लेकिन ठीक क्वालिटी का लग रहा है मुझे। ये है साइड प्रोफाइल की बात। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फुट पैड दिया गया है जो कि मूवेबल है, और ये एल्युमिनियम का फुट पैड दिया गया जो कि मूवेबल है, और यहाँ पर मतलब बाइकर जो राइडर है उसके लिए भी दिया गया है। अब थोड़ा सा इस साइड आते हैं, ड्यूक की बात करते हैं। भाई ड्यूक तो शानदार लग रही है, मतलब देखो यहाँ पर काम चल रहा था, इसी से काट कर इस पर KTM लिखवाया गया है ड्यूक का। यहाँ पर बैजिंग है, लोगो है और ग्राफिक्स भी बहुत शानदार लग रहा है। यहाँ पर पूरा ही मतलब खुला हुआ है, लेकिन जो है चेसी साफ साफ दिख रहा है जो कि काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो इंजन पे रेसिंग KTM लिखा गया है। जस्ट अगर आप इसका देखोगे तो ये मूवेबल है और अच्छे क्वालिटी का भी लग रहा है, दोनों ही अच्छे क्वालिटी का लग रहा है। यहाँ पर भी KTM का लोगो और ऑरेंज कलर का ग्राफिक्स के साथ आया हुआ है। बाकी अब बात करते हैं इसके हार्ट यानी इंजन की, तो भाई स्टार्ट करते हैं MT यामाहा। ये इंजन जो आता है भाई वो BS6 फेस 2 आ रहा है, 18.4 BHP का पावर है और जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो 14.1 न्यूटन मीटर टॉर्क है तो ये काफ़ी सफिशिएंट है। इंजन बहुत रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आपको स्टार्ट होगा आपको चलेगी पता नहीं चलेगा, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, आपको 90-100 तक आराम से चलाइए, सिटी राइड्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, इंजन गर्म भी नहीं होता है क्योंकि जो लिक्विड कूल्ड रेडिएटर है वो शानदार काम करता है, वो हमेशा मतलब एक तो आवाज़ ही बहुत कम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो इंजन को का जो ठंडक है इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो ये मुझे लगा इसके इंजन में फ़ायदा। ये जो इंजन है 155 cc का है, इंजन के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि इसका इंजन अगर इतना पावरफुल है तो मुझे लगता है कम से कम 148 या 50 kg का होना चाहिए था। अब इधर ड्यूक की तरफ आते हैं तो भाई ये तो 200 cc का पावरफुल इंजन है, 25 bhp का पावर है और लगभग 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो इतना टॉर्की नेचर की बाइक, इतनी पावरफुल बाइक के साथ इंजन तो काफ़ी शानदार है, बस थोड़ा हीटिंग का इशू आता है, रेडिएटर काम करता है और ज़्यादा आवाज़ करता है, तो मे भी ज़्यादा जल्दी कूलिंग करने की वजह से तो रेडिएटर थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है। लिक्विड कूल इंजन है, अगर मैं बोलूं कि ज़्यादा आवाज़ करने का एक वजह ये भी हो सकता है कि ये जो इंजन को बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा करता है, क्योंकि इंजन इसका बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ट्रैफिक वगैरह में,
तो इंजन में अब आप देख लीजिए जो माइलेज क्लेम करता है, भाई मुझे तो अब तक मिला है इसे 45 का माइलेज। अब यहाँ इंजन का बात करूँ, इसके माइलेज की बात करूँ, तो जो मेरे दोस्त ने बताया मुझे, वो बोल रहा 35 के लगभग माइलेज दे देता है अगर आप सही ढंग से चलाओगे तो। यहाँ भी ओपन चेन है, चेन में लूप करना ना भूलें। जो चेन है वो काफ़ी अच्छा फर्म क्वालिटी का है। अब यहाँ पर भी चेन की बात कर ही लेते हैं, जब वहाँ की चेन की बात कर ली तो चेन अच्छा है, थोड़ा सा पतला है, मतलब उससे कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा पतला चेन है, उसका थोड़ा चेन जो है ना वो काफ़ी मोटा है। तो इंजन की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके सीट की। सीट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मैं सीट के लेंथ की बात करूँ तो ये काफ़ी छोटा सीट है और ये काफ़ी बड़ा है। अगर चौड़ाई की भी बात करूँ तो ये काफ़ी चौड़ा है और ये काफ़ी पतला है। मतलब आप इसका जो चौड़ाई देख रहे हो, विड्थ देख रहे हो, मतलब ये काफ़ी कम है, 1 इंच के लगभग होगा मुश्किल से। और ये जो देख रहे हो ये 1 इंच से ज़्यादा, प्लस कुशनिंग में घाट बनाया है। पीछे में देख रहे हो आप, ये अच्छा घाट बनाया है ताकि आप बैठ सको तो आप फिसलो भी नहीं। और राइडर के लिए तो मत ही पूछो, एकदम पूरा अच्छे तरीके से चौड़ी सीट है। आप पीछे होकर, मोटा आदमी भी इसमें बैठ सकता है, ज़्यादा हाइट के आदमी बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ज़्यादा हाइट के लोग जो बैठते हैं ना तो अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। हालांकि सीट जो है वो काफ़ी सही है, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन आफ्टर मार्केट आपको कुशनिंग लगानी पड़ेगी इसमें। ग्रैब रिल्स की बात करो तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ जो ग्रैब रिल दिया गया काफ़ी फर्म है और ऊंचाई पर है, इसको आप पकड़ सकते हो इजिली। बैक प्रोफाइल की यहाँ पर भी LED इंडिकेटर्स दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको रिफ्लेक्टर लाइट। और देख रहे हो आप पीछे की तरफ एक बड़ा सा लोहा लगाकर पीछे की तरफ इसकी जो लंबाई है वो बढ़ाई गई है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो पीछे निकला हुआ था ये भाई साहब ने निकाल दिया, इसको ड्यूक में निकाल दिया और इसको समझिए कि एक मॉडिफिकेशन कर दिया गया इन्होंने। यहाँ पर भी अगर इंडिकेटर्स देखोगे तो आप LED इंडिकेटर्स है। और हगर घाट काफ़ी चौड़ा है, मतलब इसमें बारिश में पानी पड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और क्वालिटी भी बहुत फर्म है, ये ना बहुत छोटा है और इसमें बारिश में पानी पड़ता है, मैंने देखा है, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है कि हाँ बारिश में थोड़ी सी पानी पड़ती है। पीछे के टायर की बात करो तो 140/70 है, 17 इंच के अलॉय पे, ठीक है। टायर अच्छे क्वालिटी का है, MRF का है मैं मानता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये भी MRF का है लेकिन 150/60 है, जो कि रोड पे एक अच्छा ग्रिप और राइडर को कॉन्फिडेंट देता है, मतलब बहुत चौड़ा है। यहाँ पे स्विंग आर्म की बात करूँ तो ये भी एल्युमिनियम का मुझे लग रहा है स्विंग आर्म, और जो कि एक अच्छा राइडिंग कंफर्ट देगा। यहाँ भी स्विंग आर्म की बात करूँ तो ये भी एल्युमिनियम स्विंग आर्म, अब ये एल्युमिनियम में देने लगा है स्विंग आर्म, तो इसकी वजह से इसका राइड कम्फर्ट और ईजी हो गया है। यहाँ पर अगर मैं एग्जॉस्ट पैन की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छा सा एक कवर दिया गया और साथ में यहाँ पर फेक कार्बन का टेक्सचर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है थोड़ा सा, मतलब है तो ये फाइबर लेकिन इसको स्टील या एल्युमिनियम के कलर में करने की कोशिश की गई है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये अंडर द बेली है और एक हल्क मेटलिक, ये प्योर मेटल का इसमें कवर लगाया गया है। प्रोफाइल में ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डुअल चैनल ABS इसमें भी है, डुअल चैनल ABS इसमें भी है, लेकिन क्या फ़र्क है, ये 220 mm का प्लेट है जो डुअल चैनल ABS है और ये 230 mm का प्लेट है जो कि डुअल चैनल ABS है। अगर मोनो सस्पेंशन यानी पीछे के रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो ये भी WP का सस्पेंशन है, मोनो सस्पेंशन, जो 10 लेयर तक एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये भी सस्पेंशन मोनो सस्पेंशन है जो कि थोड़ा स्टफ है, मतलब पीछे अगर कोई राइडर बैठता है तो थोड़ा स्टफ लगता है उनको। यहाँ पर अगर मैं फुटरेस्ट की बात करूँ तो ये भी मूवेबल है और एल्युमिनियम का दिया गया, मेरे ख्याल से तो एल्युमिनियम ही लग रहा है। यहाँ अगर बात करूँ तो रबड़ प्लस मेटलिक है जो कि कम्फर्ट देगा, आपको छिले विलेगा नहीं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी मूवेबल है। ऑल ओवर आप इसका लुक देख सकते हो। इसकी हाइट की बात करूँ, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो सबसे पहले ये आता है 155-60 mm के बीच में और वो 165-70 mm के बीच में आता है, 170 mm के बीच में। यहाँ सीट हाइट की बात करूँ तो 822-825 mm के बीच का है और इसके सीट हाइट की बात करूँ तो ये 810 mm के सीट हाइट के साथ आता है। इंजन की, पावर की, सस्पेंशन की, सीट कम्फर्ट, माइलेज, सब चीज़ की हो चुकी है, प्राइजिंग, कलर वगैरह सब कुछ। लेकिन अब आपको बताना है कि आपको दोनों बाइक में से ज़्यादा पसंद कौन सी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी बाइक लगती है, कौन ज़्यादा रिलायबल है। इंजन तो भाई दोनों का ही बहुत ज़बरदस्त है, ये हंगरी की हंगेरियन हंक है और ये जापान की है, भाई भाई मत बोलो, ये तो और भी शानदार है, दोनों ही शानदार लगती है मुझे। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी आप जानते हो कितना अच्छे तरीके से सजाया गया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी में मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क लगा। यहाँ देख रहे हो आप, ये सब चीज़ें दरार है, मतलब जो गैपिंग है वो मुझे पसंद नहीं है। बैक प्रोफाइल आप देख ही रहे हो, यहाँ पर भी LED है, ये थोड़ा सा भाई ने मॉडिफिकेशन करा रखा है, यह भी LED है। बाकी ऑल ओवर जो आपने सारी चीज़ें देख ली, आपने इसके अलॉय देख लिए, आपने इसके स्विंग आर्म्स देख लिए, इंजन देख लिया। यहाँ पर आप एक चीज़ दिखाना भूल गया था मैं, बैली पेन। तो बैली पेन जो है इसका ये पूरा कवर करता है, ये थोड़ा सा स्पोर्टी है, थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए था। बाकी आपने एग्जॉस्ट साउंड सुना, आपने फ्रंट लुक देखा, ब्रेकिंग्स देख लिए, सस्पेंशन देख लिए। अब आप कमेंट करो कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है और किसके किसके पास MT है, ड्यूक 200 है, आप अपना कमेंट डालो।